अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। बेसिकली इट इज दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग द कम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर आवर ओन वर्क प्लेस, वी गेन इट एज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द थर्ड कंपनीज। वी रिक्वायर इट और वी डिमांड इट एज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द थर्ड कंपनीज। के मार्केट में ऐसी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज मौजूद हैं जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, और हम इंस्टेड ऑफ बजाय इसके कि हम एक कम्प्लेक्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, हम उन थर्ड कंपनीज से उनकी सर्विसेज जो है वो गेन कर देते हैं। आई विल टेल इट, डिस्क्राइब इट अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एजुकेशन में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में या कॉलेजेस में हमें एक डेटाबेस चाहिए होती है और उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। तो बजाय इसके कि एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस परचेज करने के, हम जो मार्केट में जो क्लाउड सर्विसेज कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, हम उनसे एक एग्रीमेंट करके तमाम क्लाउड सर्विसेज की जो उनकी जो क्लाउड सॉफ्टवेयर की जो सर्विसेज है वो हम उनसे गेन कर लेते हैं। नाउ कम टू दी इट्स डेफिनेशन। इट इज अ मॉडल दैट इनेबल यूजर्स टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेज, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज फ्रॉम द शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फिगरेबल कंप्यूटिंग resources anytime anywhere conveniently and on demand। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट कम टू दी करंट scenario। फॉर एग्जाम्पल के हमारे एक इंस्टीट्यूशन है, एक कॉलेज है या एक स्कूल या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, अब देर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स। अब उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स है, उसमें एक एडमिन है, अकाउंट्स है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड क्लास इंचार्जेस हैं, स्पोर्ट्स हैं। नो ऑल दीज मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड, कि तमाम मॉड्यूल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि क्लाउड सर्विसेज कि किसी एक थर्ड कंपनी से हम उनके, वो कंपनीज वाले आएंगे, हम उनके सॉफ्टवेयर जो है वो हम उनसे क्लाउड सर्विसेज ले लेते हैं। अब वो हमारा सारा डाटा लेके जाएंगे हमारे इदारे का, और वो क्या करेंगे कि वो हमें एक सॉफ्टवेयर एक ऐसा बना के देंगे जिसमें तमाम मॉड्यूल्स शामिल होंगे, जिसमें उस इदारे का अकाउंट्स भी शामिल है, उसका एडमिन भी शामिल है, जिसमें उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी शामिल है, एग्ज़ाम्स भी शामिल हैं, और तमाम उसमें स्टूडेंट्स की एंट्री भी क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, टीचर वाइज है, और इसी तरह उसमें प्रिंसिपल्स की भी राइट्स हैं। अब क्या होगा कि क्लास इंचार्ज अपने घर बैठ बाय सिटिंग एट होम ही कैन लॉग इन इनटू हिज ऑन लैपटॉप एंड कैन अपलोड द लेक्चर्स। अब क्या कर सकते हैं, क्लास इंचार्ज अपनी क्लास के अपने घर बैठ के लैपटॉप से अटेंडेंस ले सकता है और अपने एक टाइम के ऊपर जो लेक्चर अपलोड कर सकता है, और उस लेक्चर्स को जितने भी स्टूडेंट्स क्लास के अंदर उस लेक्चर को व्यू कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस प्रेजेंट, उनकी टेस्ट ग्रेडिंग, ऑल दीज थिंग्स आर डन ऑन दी लैपटॉप बाई यूजिंग इंटरनेट। सिमिलरली अकाउंट्स और जो है वो अकाउंट्स तमाम स्टूडेंट्स की अकाउंट्स की जो हिस्ट्री है वो देख सकता है कि स्टूडेंट्स की किस मंथ की फीस सबमिट और किस मंथ की फीस सबमिट नहीं है, और जो है वो जो बैलेंस चेक कर सकता है, क्रेडिट चेक कर सकता है। इसी तरह एडमिन जो है एडमिन से रिलेटेड टास्क कर सकता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो उस वक्त जो है उसकी एडमिशन जो है वो SLC लेके जा चुका है। अब इससे क्या होगा कि एक कंप्रीहेंसिव डेटाबेस जो कि क्लाउड कंपनीज के पास, जो कि क्लाउड सर्वर पर सेव है, वहाँ से हमें सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, इदारा सर्विसेज परचेज करता है, और जो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड सर्विसेज को परचेज करती है उसके लिए दो चीज़ों होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, ब्रॉडबैंड स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन कि उसका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ब्रॉडबैंड होना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा ये कि तमाम के पास जो है ना वो लैपटॉप के थ्रू, क्योंकि ये डिवाइसेज हों जो कि जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकें। विदाउट डिवाइसेज, अगर डिवाइसेज नहीं है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं, तो आप उसको क्लाउड सर्विसेज को एक फ्रूटफुल वे में यूज़ नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग इंस्टॉलिंग अवर ओन कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एट वर्क प्लेस, कि अपने काम की जगह पर हम सॉफ्टवेयर हार्ड इंस्टॉल करें, वी कैन गेट इट एज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई अनदर कंपनी। एक सर्विसेज के तौर पर हम गेट कर लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं, रिक्वायर कर लेते हैं, प्रोवाइडेड बाई अनदर कंपनी। वी कैन परफॉर्म अवर कंप्यूटिंग टास्क टू एक्सेस टू सर्विस अवर इंटरनेट। अब एग्जाम्पल इसमें किसी भी इदारे के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाउड सर्विसेज गेन की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन सिस्टम में
For example, in the education system, separate login is provided for all the users for their respective works. First, teacher can upload their class tutorials, assignments and tasks on the cloud server, where students will be able to access all the teaching material provided by teachers both at home and college through internet. इसका जो मेन एडवांटेज है कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और इजीली एक्सेसिबल हो जाता है. कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है हो जाती है आपको उस कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ता, इजीली एक्सेसिबल. अब बीइंग इट्स एडवांटेज, देयर आर आल्सो डिसएडवांटेज. इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि आपका वैल्यूएबल डाटा जो है वो एक थर्ड कंपनी के पास होता है, जो कि किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे सिटी में, किसी या किसी दूसरे सर्वर के ऊपर होता है वहाँ पे. और क्योंकि आपके पास, अगर तो आपका एक एजुकेशनल है तो इट्स डज नॉट मैटर, बट इफ योर ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू अ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर आपकी कोई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफेंस कंपोनेंट है, तो फिर आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि अपना डाटा जो है किसी थर्ड कंपनी को दें. हाउएवर जो कंपनीज होते हैं वो जो कि आपको क्लाउड सर्विसेज दे रहे होते हैं, दे मेक इंश्योर टू प्रोटेक्ट टू योर प्राइवेसी, कि जो कंपनीज आपको डाटा दे रही होती है आपके साथ एग्रीमेंट करती हैं क्लाउड सर्विसेज जो आपको सर्विस दे रही होती है कि वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करती हैं और कोई और पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता. तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क होता है. और दूसरी चीज़ ये कि आपको हर ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपको ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है ताकि आप जो है ईजिली आपको डाटा को एक्सेस कर सकें. तो क्लाउड सर्विसेज में, अगेन आई रिपीट इट, कि क्लाउड सर्विसेज में होता है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग अवर ओन कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओन वर्क प्लेस, वी परचेज इट, वी डिमांड इट और वी गेन इट एज सर्विसेज फ्रॉम दी थर्ड कंपनीज दैट आर डिलीवरिंग दैट सर्विसेज. एक तीसरी कंपनी जो कि आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करी, हम उससे ले लेते हैं. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा उसको देते हैं, वो हमें सारा डाटा मैनेज करके देते हैं, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बना के देते हैं. ऑल दिस मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सो डैट वी कैन इफेक्टिवली यूज द एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. We can effectively use the advantage of marketing by using these cloud services, by using these cloud computing provided by the cloud computing services. तो हम क्या कर सकते हैं कि इन cloud services को use करते हुए एक strong database maintain कर सकते हैं जो कि cloud server के ऊपर होगा, और इसी तरह हम अपनी marketing भी by using cloud apps जो है वो उसको कर सकते हैं. और बट वी हैव टू डन द फाइनल एग्रीमेंट विद द क्लाउड कंपनी, द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, कि जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर का प्रोवाइड करें हम उनके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, और उस एग्रीमेंट के थ्रू हम ये तमाम सर्विसेज जो है वो गेन करते हैं, और तमाम उस जो इट हैज़ द फ्रूटफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, ऑन टीचर्स एंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, you can ask me through WhatsApp or Messenger. Thank you. Allah Hafiz.